Asus is one of the brand जिसके fans उस पे blindly faith करते हैं, मतलब इतना प्यार है उनके लिए Asus के लिए कि Asus का ही अगर product है तो वो ज्यादा सोचते नहीं है। लेकिन अब market में इतनी भीड़ आ चुकी है, आज मेरे साथ है Asus Expert Book B1502। ये जो लैपटॉप है ये 15 इंच का बड़ा लैपटॉप है, i5 प्रोसेसर के साथ आता है। और क्या ये वर्थ बाइंग है या नहीं, आज मैं आपको यही बताने वाला हूं, तो रहिए हमारे साथ। और अगर अभी आपने हमें सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात अगर इसके डिजाइन और लुक की करूं तो Asus Expert Book ये जो लैपटॉप है ये डिजाइन और लुक वाइज काफी प्रीमियम लगता है, काफी स्टैंडर्ड है, मुझे काफी अच्छा लगा। यहां पर आप देख सकते हैं आपको Asus की स्टैंडर्ड ब्रांडिंग मिल जाती है, वो काफी अच्छी लग रही है। साथ में जब आप इसको खोलेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि यहां पर आपको एक प्रॉपरली मैनेज्ड कीपैड देखने को मिलता है, जिसमें आपको न्यूमेरिक कीज अलग से देखने को मिलती है। एक चीज और जो मुझे इसमें अच्छी लगी वो ये कि आपको यहाँ कीपैड के पास में आपको यहाँ पर एजेस मिलती है, डाउन साइडेड एजेस जो है ये काफी हेल्पफुल होती है, और इससे फायदा ये है कि आप इसे साफ करने में बहुत आसानी होती है। दूसरी एक अच्छी चीज जो मुझे इसके साथ लगी इसके डिजाइन वाइज वो ये कि यहाँ पर आपको ब्रीदिंग स्पेस हाथ रखने का काफी अच्छा मिल जाता है, आराम से आप रख सकते हो। और ये कीपैड जो है ये अच्छे से रिस्पॉन्स करता है, टच पैड भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करता है। साथ ही इसमें आपको ऊपर की तरफ थोड़ा सा फ्लेक्स दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ आपको थोड़ा सा फ्लेक्स देखने को मिलता है। अगर आप कीपैड की बात करते हैं तो यहाँ आपको फ्लेक्स नहीं मिलता है, जो अच्छी बात है। अगर ऊपर का फ्लेक्स थोड़ा सा कम होता तो शायद ये और बेटर हो सकता था, लेकिन आप इसे जब खोलना चाहेंगे तब ये बिल्कुल शेक नहीं होता है, काफी स्टडी रहता है। लेकिन हाँ एक चीज और कि आप इसे एक हाथ से नहीं खोल पाएंगे, मतलब मैंने खूब ट्राई किया कि इसे एक हाथ से खोलने की कोशिश कर लूं, लेकिन नहीं, ये एक हाथ से नहीं खुलता, ये ऐसे उठ जाता है, आपको दूसरा हाथ लगाना ही पड़ता है। आपको लगता है अगर आप कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप एक हाथ से इसे खोल पाएंगे या नहीं। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो Asus Expert Book ये जो लैपटॉप है ये आपको परफॉर्मेंस में निराश नहीं करेगा। अब ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो वेरिएंट मेरे साथ शेयर हुआ है ये i5 12th जेन प्रोसेसर के साथ आता है, DDR4 रैम आपको मिलती है, इसमें 8GB की रैम दी गई है, 512GB की SSD आपको इसमें देखने को मिल जाती है। और एक चीज जो इसमें मुझे अच्छा लगा वो ये कि आप जब इसमें मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं तो ये दिक्कत नहीं देता है। ऑफिस का मैंने अपने इस पे लगातार काम किया, उसके बावजूद ये लैपटॉप बिल्कुल भी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिया, मेरे को इस पे सारे काम करने में, सभी तरह की मल्टीटास्किंग करने में बहुत आसानी भी हुई और मजा भी आया, इसे इस्तेमाल करते वक्त रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिला। खैर इसकी डिस्प्ले जो है वो भी आपको निराश नहीं करेगी, इसमें आपको 15.6 इंच की 60Hz रिफ्रेश रेट वाली अच्छी डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। एक फायदा यह है कि अगर आप इसकी डिस्प्ले को दिन की रोशनी में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये आपको निराश नहीं करेगी। 220 निट ब्राइटनेस के साथ ये आती है, जो कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं देगा। मैंने जब इसे दिन की रोशनी में इस्तेमाल करना चाहा तो मैंने मेट्रो में भी इसे इस्तेमाल करा, मैंने घर से बाहर भी इसे इस्तेमाल करा, ऑफिस के बाहर भी इस्तेमाल करा, बिल्कुल परेशानी नहीं हुई। एक चीज और मैं इसकी डिस्प्ले की आपको बताना चाहूंगा जो जरूरी है, वो ये कि इसकी जो डिस्प्ले है वो 180 डिग्री के एंगल के साथ आती है, आप इसे 180 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आप इसे बना सकते हैं। यहां पर आपको शटर बटन भी देखने को मिल जाता है, ये भी एक प्लस पॉइंट है क्योंकि आजकल प्राइवेसी को लेकर लोग काफी कंसर्न रहते हैं, तो इसमें ये काफी अच्छी चीज लगी मुझे। इसके साथ ही आप इसको सोफे पे बैठ के देखना चाहो या बेड पे लेट के अपने एपिसोड निपटाना चाहो, इसकी डिस्प्ले इतने अच्छे व्यूइंग एंगल्स के साथ आती है कि आप ऐसे देखिए ऐसे देखिए आपको सारी चीजें लगातार सेम ही दिखेंगी, तो आपको किसी तरह की डिस्प्ले के वाइज प्रॉब्लम नहीं आने वाली। Asus Expert Book में आपको 42 वॉट आवर्स की बैटरी मिल जाती है, वो भी 65 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ, टाइप सी चार्जर आपको इसके साथ देखने को मिलता है। एक अच्छी चीज यह है कि जब मैंने इसे इस्तेमाल करा तो इसने फुल चार्ज पे 7 घंटे तक का बैटरी बैकअप मुझे दे दिया, और एक चीज जब मैंने इसको चार्जिंग पे लगाया तो ये सिर्फ 20 मिनट में 45% चार्ज हो गया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा स्लो चार्ज हुआ, 1.5 घंटा लग गया इसे फुल चार्ज होने में। स्टार्टिंग में तेज चार्ज होता है उसके बाद थोड़ा स्लो जाता है, लेकिन ओवरऑल इसकी बैटरी ने डिसेंट परफॉर्मेंस दी, एक दिन आराम से मतलब आप अपने ऑफिस का काम इस पे करके डन कर सकते हो, 7-8 घंटे की शिफ्ट से ज्यादा आई डोंट थिंक सो कोई करता होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि इसमें आपको कई सारे पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, यहां पर आपको USB पोर्ट मिला है, यहां पर भी आपको USB पोर्ट और टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं, दो HDMI पोर्ट मिल जाता है, साथ में 3.5
5mm जैक भी मिल जाता है। लेकिन एक चीज मैं और बता दूं कि इसमें आपको कार्ड रीडर नहीं मिलता है, तो आप कार्ड रीडर का कोई स्लॉट नहीं दिया गया है। मेरे हिसाब से आसूस अगर आप इसमें कार्ड रीडिंग का स्लॉट डाल देते तो ये और ज्यादा वर्थ बाइंग हो जाता है। इसी के साथ में इसमें आपको वाईफाई 6 ही मिलता है और ब्लूटूथ 5.1 मिल जाता है। तो वायरलेसली चाहे या वायर्ड चाहे, आप दोनों तरह से इसमें कनेक्शन अपने सभी चीजों के आसानी से कर सकते हैं, जो कि एक काफी हेल्पफुल चीज है। लेकिन ऑफिस की तरह भी, मतलब मैंने अपने ऑफिस लैपटॉप को भी रिप्लेस करके इसको इस्तेमाल किया तो मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मुझे इसे इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा मजा आया। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा कि इसमें आपको 512GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। उसको अगर बढ़ा दिया गया होता तो शायद एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन होता ये। लेकिन ओवरऑल इट्स अ नाइस चॉइस। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर अभी आपने जागरण हाईटेक को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।